जगराओं के भद्रकाली मंदिर के नजदीक बने कूड़े के डंप से मोहल्ले के लोगों को काफी दिनों से परेशानी उठानी पड़ रही है। सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया और इस डंप के पास एक गौशाला भी है, जिससे कि मोहल्ले के बच्चों और लोगों को काफी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं यहाँ पर स्वच्छ भारत की प्रधानमंत्री के साथ शुरुआत करने वाली लुधियाना की पहली लड़की जानवी बहल जगराओं के बने हुए कूड़े के डंप पर पहुंची और वहां पर सबसे पहले उन्होंने मोहल्ले के लोगों को योग के बारे में जानकारी दी और कूड़े के डंप को इस रिहायशी इलाके में से बाहर निकालने के लिए सरकार से विनती की। और उनके साथ जगराओं नगर काउंसिल के साबका प्रधान पराशर देव शर्मा जी भी मौजूद थे। नगर काउंसिल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पराशर देव शर्मा, इस मंदिर पत्रकाली ट्रस्ट का चेयरमैन, सब न मतलब अपील की गई 2013 के भी इकट्ठे हो गए अपना जोड़ा है कूड़ा लाने लगे हैं इन्हों के बरखिलाफ आप कार्रवाई करिए। सारा शहर इकट्ठा होया सीगा, पहला यह जी ग्राउंड है ये रामलीला कमेटी के कोल सी और बिना कोई गलबात किए इन्होंने इतने कूड़े के डंप लाने शुरू करते हैं। और इतने पांच स्कूल है, एक गऊशाला जी जिद 200 गऊ है जी हैगी लवारस गऊ है वो सेवा हो रही है। इसके बरखिलाफ बहुत ज़्यादा विरोध किया और सब जो कापी हैं अखबार में